नमस्कार दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि एक बार फिर से जेनिफर विंगेट अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट में आप लोगों के बीच में दस्तक देने जा रही हैं। जेनिफर विंगेट की बात की जाए तो जेनिफर विंगेट वो कलाकार रही हैं कि जिन्होंने अपने हर सीजन को सुपरहिट बनाया है और ऑडियंस ने भी वाकई में जेनिफर विंगेट को बहुत ही अधिक प्यार दिया है, जिसके कारण देखा गया है कि जेनिफर विंगेट हमेशा से ही पॉपुलर रही हैं और उनके हर सीजन ही पॉपुलर रहे हैं। हाल ही में ही जेनिफर विंगेट ने कोड एम सीजन 2 की शूटिंग को पूरी तरीके से फिनिश कर लिया है और जल्दी ही एक बार फिर से अपने आने वाले प्रोजेक्ट यानी बेपनाह सीजन 2 जो कि हर्षित चोपड़ा के साथ में कमबैक करने जा रहा है। आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जेनिफर विंगेट एंड हर्षित चोपड़ा सभी एक साथ फिर से नजर आने वाले हैं बेपनाह सीजन 2 के अंदर, क्योंकि बेपनाह सीजन 2 में जहां जेनिफर विंगेट निभाएंगी अपना जोया वाला किरदार, वहीं पर बात की जाए तो आदित्य का किरदार निभाते नजर आएंगे आपके अपने फेवरेट सुपरहिट और सुपर मॉडल। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ आपके अपने फेवरेट हर्षित चोपड़ा की, तो वो आदित्य का किरदार निभाते नजर आएंगे। अक्सर देखा होगा आप लोगों ने भी कि हर्षित चोपड़ा का हर एक किरदार को ऑडियंस वाकई में बहुत अधिक पसंद करती है, और इस बार जेनिफर विंगेट एंड हर्षित चोपड़ा क्योंकि सीजन 1 से ही जुड़े हुए हैं बेपनाह सीजन 1 से, बेपनाह सीजन 1 में भी काफ़ी अच्छा किरदार देखने को मिला था जेनिफर विंगेट एंड हर्षित चोपड़ा का। एक प्रेम कहानी दिखाई थी दोनों के बीच में, और आने वाला 2022 का जो प्रोजेक्ट है बेपनाह सीजन 2, फिर से दोनों के दोनों एक बार फिर से रोमांस करते नजर आएंगे एक दूसरे के साथ में। दोस्तों, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि इस बार जेनिफर विंगेट ने बेपनाह सीजन 2 के लिए बहुत बड़ी फीस वसूल की है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि जेनिफर विंगेट जब किसी प्रोजेक्ट को करती है तो पूरे दिल और शिद्दत के साथ में करती हुई नजर आती है। जल्द में ही आप लोगों ने देख लिया होगा कि जेनिफर विंगेट की वाकई में फैन फॉलोइंग भी काफ़ी अच्छी है, और ऑडियंस भी चाहती है कि एक बार फिर से जेनिफर विंगेट एंड हर्षित चोपड़ा नजर आए। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट करके मेरे को जरूर बताइए। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू।